नमस्कार, थाना सुभाष नगर क्षेत्र काफ़ी संख्या में महिलाएं पहुंची एसएसपी कार्यालय पर, जहां उन्होंने एक व्यक्ति है थाना सुभाष नगर क्षेत्र में मणिनाथ पे रहता है, जो जिसने इन महिलाओं के साथ की है ठगी और पैसे जमा कराकर पैसे वापस नहीं कर रहा है। देखिए खबर। क्या घटना हुई थी आपके साथ, कैसे पैसे ठगी हुई? ऐसा था, किस्त बांटता था बस्ती में। हाँ। तो बोले तुम जमा कर दो अपने पैसे, तो हम तुम्हें इकट्ठे ब्याज लगा के देंगे। तो हमारा बेटा जमा करता रहा, रोज डेली आकर पैसे सुबह ले आते थे। तो उसके बाद जब जमा हो गए तो हमने पैसे, हमारे बेटे ने कहा पैसे दो तुम्हें दूंगा दूंगा, ऐसे करके डालता रहे, अभी तक दिए नहीं। कौन है वो? उसका नाम है दिनेश शर्मा जी। कहाँ रहता है? उसमें रहता है मणिनाथ में। कितने लोगों से पैसे ले चुका है मणिनाथ? कम से कम 15 कॉपी है हमारे पास सर, और बाकी पूरी क्या क्या कर पैसे लिए थे उन्होंने? किस्त बांटता है वो, एफडी बनाता है, किस्त बांटता है, पैसे जमा भी करता है, किस्त भी देता है, ब्याज पे पैसा बांटता है। आपसे अब तक कितने रुपए ले चुके हैं? 40,000 पहुँच चुका है। कितने दिनों में दे दिया आपने 40,000 रुपये? वही ले आता था, हम पढ़े लिखे तो है। कितने हिसाब से कैसे टुकड़े में दिया करती थी? देते थे रोज, कभी 100 कभी 50 कभी 200 कभी 100। बेटा क्या करता है आपका? 5 साल हो गए दिए नहीं है। पालिश करता है, पालिश। क्या बात था, ये रिक्शा चलवाता था पहले हमारे बस्ती में, सब लोगों के लिए जान बचा लेता था पहले। अपनी वाली बात हो गई थी उससे समय में, फिर हम लोग किस्ती में लेने लगे। मैं ब्याज छूटता उससे, ब्याज लेता था हर महीने। हमने कई बार लिया उससे पैसा, कभी 200 रुपये देते थे, कभी 100 रुपये, कभी ऐसे कुछ नमूने देते थे हम उसको। मतलब ये था, उन्होंने पैसे तो उन्होंने ले लिए पर वो देना नहीं चाह रही थी, दुगने से तिगने ले लिए उसने पैसे। अब वो आता भी नहीं है बस्ती। थाने में शिकायत की थी आपने? नहीं नहीं, हमने थाने में नहीं कहा। कितने सालों से ये देते आ रहे हैं आप पैसे? वही काफी साल हो गए। समझ लो, इन्हें इतना धोखा दिया अपनाथ में, अपना बन के भी रहा है और अपनाथ में फिर इन्हें धोखा भी दे दिया।